Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, this is Nitin Sharma and today we will continue our exercise 5.1. Okay, in previous parts we have completed up to 7 questions, okay, and this is our question number 8. So let's proceed. What is our question number 8? An angle is greater than 45 degree, okay, its complementary angle greater than 45 degree is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree. Meaning kya hua iska? कि आपको एक एंगल गिवन है जो किससे बड़ा है, 45 डिग्री से बड़ा है, तो आपको बताना है कि जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो ग्रेटर देन 45 होगा या इक्वल टू 45 होगा या लेस देन 45 होगा. तीन केसेस आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है इन तीनों में से वो कौन सा होगा. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं. हम दोनों एंगल्स को लेट कर लेते हैं. लेट एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई और वी कैन से वाई समर्सा वाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स. सो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो मैं एक इन दोनों का एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा. बाय डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन क्या होती है, टू एंगल्स हुज सम मेजर्स 90 डिग्री. तो ये तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों का मैं सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 90 डिग्री. ओके, देन मेरे को लैड करना है कि कोई एक एंगल इसमें ग्रेटर देन 45 है, तो मैं लैड कर लेता हूं कि लैड एक एंगल मैंने लैड कर लिया, लैड एक्स इज ग्रेटर देन 45 डिग्री. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या बताना है कि एक एंगल ग्रेटर देन 45 है, तो मैंने लेट कर लिया कि सपोज एक्स ग्रेटर देन 45 है. अब मैं यहां पे दोनों साइड वाई ऐड कर देता हूं, एडिंग वाई बोथ साइड्स. तो दोनों साइड वाई ऐड करने से क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई, सेम क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हो, यहां पे भी वाई एंड यहां पे भी वाई. ओके, देयरफॉर अब x प्लस वाई की तो मुझे वैल्यू पता है, क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो दिस इज 90 डिग्री ग्रेटर देन 45 प्लस वाई. इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, लेस कौन है, 45 प्लस वाई. ठीक है, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, 45 प्लस वाई इज लेस देन 90 डिग्री. क्लियर, इसको आपने ग्रेटर तो कौन है, 90 ही है ना. सो हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, 90 डिग्री इज ग्रेटर देन 45 प्लस वाई, और वी कैन से 45 प्लस वाई इज लेस देन 90 डिग्री, बोथ आर सेम. क्लियर, देन आफ्टर दैट 45 प्लस में है, यहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 90 माइनस 45 डिग्री. क्लियर, सो क्या मिलेगा आपको, y इज लेस देन 90 माइनस 45 मीन्स 45 डिग्री. सो वी कैन से दैट y इज लेस देन 45 डिग्री. ओके, सो हमें यही पूछा है कि अगर x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड इफ x इज ग्रेटर देन 45, तो मुझे बताना है कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. तो कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिला, लेस देन 45 डिग्री. क्लियर, सो हम क्या लिखेंगे यहां पे, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन 45 डिग्री. ओके, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9. नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 9 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर, हमें जो साइड में फिगर गिवन है हमें उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका हमें आंसर करना है. सो इसमें आपका सब रिकॉल हो जाएगा,
that is your adjacent angles, linear pair, supplementary angles and vertically opposite angles. Okay? So first one is angle 1 adjacent to angle 2 or not? आपको बताना है कि क्या एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के एडजेसेंट है या नहीं. सो एडजेसेंट एंगल्स की हमें तीन कंडीशन पता है. विचार दे, फर्स्ट वन इज दे हैव कॉमन वर्टेक्स, सेकेंड वन इज दे हैव कॉमन आर्म एंड थर्ड वन इज द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म. तो हमें थ्री कंडीशंस चेक करनी है. सो फर्स्ट आप देखो कि एंगल 1 का एंड एंगल 2 का, ठीक है. This is your angle 1. Which one is? AOC. This is your angle 1. And angle 2 is COE. Angle 2 is COE. आपको बताना है कि क्या ये इसके adjacent है या नहीं है. Which two angles are? Angle 1 and angle 2. So common vertex हमें पता चल गया कि common vertex क्या है? O. ठीक है? First condition क्या है? आपकी common vertex आपकी क्या हो गई? O. सेकेंड कंडीशन क्या है? दे हैव कॉमन आर्म्स. तो एओसी में भी ओसी आ रहा है एंड सीओई में भी क्या आ रहा है? ओसी आ रहा है. तो सेकेंड कंडीशन भी आपकी ट्रू है. थर्ड कंडीशन इज दे आर नॉन कॉमन आर्म्स. तो नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी है? एओ एंड ओई. दे आर नॉन कॉमन आर्म्स. क्या ये कॉमन आर्म के दोनों साइड में है? तो ये है आपकी कॉमन आर्म, ये इसके इस साइड में है. And this one is on this side. So both are on either side. Means different sides. So we can say that angle 1 is adjacent to angle 2. So your answer is yes. Clear? Okay. Now our second question is angle AOC adjacent to angle AOE? Same question hai. ओके फिर से हमें थ्री कंडीशन वेरीफाई करनी है. इसमें आपको फर्स्ट आप देखो कि एंगल एओसी कहां पर है. दिस इज योर एओसी. ओके विच वन इज दिस? दिस वन. ओके सेकंड इज एंगल एओई. वेयर इज एओई? एओई मींस दिस वन, दिस कंप्लीट एंगल. और फर्स्ट आपको कौन सा गिवन था? दिस वन. तो आपको बताना है कि क्या ये एंगल इस एंगल के एडजेसेंट है या नहीं. ओके सो फर्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं. दे हैव कॉमन वर्टेक्स. सो कॉमन वर्टेक्स एओसी एंड एओई में कॉमन वर्टेक्स आपकी क्या हो गई? ओ हो गई, दोनों में है. सेकेंड कंडीशन क्या है? दे हैव कॉमन आर्म्स. तो एओसी एंड एओई में ओए ओए क्या है? दोनों में है. तो कॉमन आर्म भी आपको मिल गई. विच वन इज दिस? ओए. थर्ड कंडीशन क्या है? द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स. तो नॉन कॉमन आर्म कौन सी है? कॉमन आर्म तो ओए हो गई, तो नॉन कॉमन आर्म कौन सी बची? ओसी एंड ओई. बट क्या ये कॉमन आर्म के दोनों साइड में प्रेजेंट है? ऑब्वियसली नॉट. They are on the same side. Okay? OC भी इसके same side में है and OE भी इसके same side में ही है. So third condition जो है वो fulfill हो रही नहीं है. So we can say that angle AOC is not adjacent to angle AOE. So your answer is NO. No. Clear? So third one is, third question देखते हैं. So question number 3 is, do angle COE and angle EOD form a linear pair? Ab linear pair kya hota hai? Yes, two adjacent angles whose sum measure is 180 degree. Do adjacent angles jinka addition kitna hua hai? 180 degree ko usse hum kya bolte hain? Linear pair. To hum dekhte hain ki angle COE kahan par hai. COE, where is COE? COE means this one. COE. Then angle EOD kahan par hai? EOD means this one.
एंड दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. सो वी कैन से दैट एंगल COE एंड बोथ आर एडजेसेंट. ओके, COE एंड EOD बोथ आर एडजेसेंट एंड दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. विच वन इज लाइन? COD. ओके, विच लाइन इज दिस? COD. So we can say that angle COE and angle EOD form a linear pair. So your answer is yes. Is it clear? Now our fourth question is, are angle BOD, BOD and DOA are supplementary? Okay. So angle BOD kahan par hai aapka? This is your BOD, means this one. Okay, which one? This B O D, this angle, and angle D O A. Where is your D O A? D O A means this one. And what are supplementary angles? Two angles whose sum is a 180 degree. Okay, so they are called supplementary angles. And angle BOD plus DOA, dono kya form kar rahe hain? Straight line AOB form kar rahe hain. Means dono angle ka addition kya hai? 180 degree hai. So we can say that angle BOD and angle DOA are supplementary angles. So your answer is yes. Is it clear? Now question number 5 is angle 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4. वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं? दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. ये हो गया इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट टू दिस एंगल एंड दिस वन इज वर्टिकली अपोजिट टू दिस एंगल. सो हम चेक करते हैं कि क्या एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट है एंगल 4 के. सो एंगल 1 का है आपका, दिस इज योर एंगल 1, विच वन इज AOC. एंगल 4 कहां पर है आपका? दिस वन DOB. सो ऑब्वियसली एंगल 1 आपका यहां पर है एंड एंगल 4 क्या है आपका? यहां पर है. सो बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो यू कैन राइट ओवर हियर इज यस, एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4. इज इट क्लियर टू यू? नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज, what is vertically opposite of angle 5? Which angle is vertically opposite of angle 5? So angle 5 kahan hai aapka? This one. Which one is? AOD. Angle AOD is your angle 5. So iska vertically opposite means this one. So iska vertically opposite kaun sa hoga? Whole this one. Okay? So ye koi ek angle to nahi hai. Theek hai? एक एंगल का अगर मैं पूरा नाम देना चाहूं तो दैट इज सीओबी. विच वन इज दिस? सीओबी. सो व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट ऑफ एंगल 5? दैट इज एंगल सीओबी. और वी कैन राइट एंगल 2 प्लस एंगल 3, और वी कैन से एंगल 2 प्लस एंगल 3, बिकॉज एंगल 2 प्लस एंगल 3 करने से ही मुझे क्या मिल रहा है? पूरा एंगल 2 प्लस एंगल 3 करने से ही मुझे ये पूरा होल एंगल मिल रहा है. एंड विच वन इज दिस? एंगल सी ओ बी. सो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल मिला आपको? एंगल सी ओ बी. और वी कैन से दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3. क्लियर हुआ यहां तक? इसके बाद देखेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 10.